उधर एक कॉलेज के अंदर ना एक प्रोफेसर थे, तो उनको एक लड़की थी, उसने शायद आपको याद होगा कुछ अरसा पहले की बात है लाहौर में ही, तो उसने उनको लाइक ब्लैकमेल किया किसी वजह से, तो उन्होंने जनाब सुसाइड कर लिया। अब मैं ये वाकया मुझे इतने लोगों ने बताया ना कि देखें जी वो भी तो हुआ है, देखें जी वो भी तो हुआ है। यार तुम वो हुआ है तो वो गलत हुआ है, उसने गलत किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो खवातीन जितना टॉर्चर सहती हैं इनकी ब्लैकमेलिंग की वजह से, मर्दों की ब्लैकमेलिंग की वजह से, जो ऑनलाइन ये उनकी वीडियोज वायरल करते हैं, जो उनकी तस्वीरें वायरल करने की धमकियां देते हैं, उन पे क्यों क्यों नहीं बात करते हो तुम लोग? उन पे बात करते हुए जो तुम्हें बिल्कुल तुम्हारी जुबानें जो है उन पे ताले लग जाते हैं, तो उन पे बात नहीं करनी। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं है तो फौरन से उठा के लठ लेके आ जाएंगे, हाँ जी इस पे भी बात क्यों नहीं करते? यही आपको भी ऐसे ही कहते हैं ना कि आप मर्दों के बारे में क्यों नहीं बात करती, आप तो औरतों के मतलब हक में बात कर, आप मर्दों के पीछे पड़ी रहती हैं। भाई हर बंदे की अपनी सोच है, एक तो ये उसका राइट है कि उसने किस पे बात करनी है और किस पे नहीं, आप उसको फोर्स तो नहीं कर सकते। अब मैं ब्लॉग लिखता हूं तो आप मुझे कहें नहीं इस पे ब्लॉग लिखा है तो इस पे भी ब्लॉग लिखें, भाई मैं नहीं लिखता उस पे ब्लॉग, ठीक है आप लिख लो, आपको किसी ने मना किया है ब्लॉग लिखने से? सारी फैसिलिटीज आपके पास भी हैं मेरी तरह, आप कर लो बात जो आपको सही लगती है, लेकिन आप मुझे तो ब्लेम नहीं करो ना। मैं एक अगर बात कर मुझे भी रहा कहा हूँ जाता किसी, है कि आप फलस्तीन पे क्यों नहीं लिखती, मैंने कहा भाई वो मेरा हाँ नहीं पैशन, मुझे जिस पे भी मेरा इसको बड़ा पैशन है मैं उस डाउट पे बात करूंगी। फलस्तीन मेरा मसला नहीं है, पाकिस्तान की सोसाइटी, पाकिस्तान के कल्चर से मैं एसोसिएट करती हूँ, पहले उसको फिक्स कर लें, फिर चौथे मोहल्ले का आप एक जो इशू है उसको जब आप किसी काबिल होंगे तो तब आप फिक्स करें ना। आपके अपने घर में एक मेस पड़ा हुआ है और आप कह रहे हैं कि पहले बैनुल अक्वामी इंटरनेशनल इशूज को हम हल करें, आपकी इतनी औकात है? तो ये जो है ना ये एक बहुत आता है कि आप उस पर क्यों नहीं बात करी, आप इस पर क्यों नहीं बात करी? भाई आप कर लेना बात, वही बात आप यही कर ले यही बात। तो मुनाफ़त है ना, यही मुनाफ़त है कि अपने मुल्क में जो कुछ हो रहा है ना वो नहीं नजर आ रहा, यहाँ पे पारा चिनार में क्या हुआ है वो नहीं नजर आ रहा, यहाँ पे शियास के साथ क्या होता है वो नहीं नजर आ रहा, ठीक है यहाँ पे पश्तून के साथ क्या होता है वो नहीं नजर आ रहा, उस पे बात नहीं करेंगे। बात करेंगे तो फलस्तीन का झंडा लगा के ना उस पे शुरू हो जाएंगे और फिर हमें आके बताएंगे कि आप फलस्तीन पे बात क्यों नहीं कर रहे जी। भाई पहले मुझे अपना मुल्क देखना है, पहले मुझे अपने इर्द गिर्द लोगों को देखना है, मेरे अपने मुल्क के तो बदतर हालात हैं फलस्तीन से भी, और मैं फलस्तीन का झंडा उठा के खड़ा हो जाऊं और हर वक्त फलस्तीन फलस्तीन, और एक ऐसे ही फजूल किस्म का मुस्लिम उम्मा का एक फेक सा वो कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि जी हम उसका हिस्सा हैं, वो बेशक आपको समझते ही कुछ ना हो, आपने ऐसे ही अपने तौर पे अपना तो आप घर पहले ठीक कर लें, अपने तो औलाद ठीक कर लें, फिर उनकी तरफ चले जाइएगा जब इस काबिल हो जाएं, पहले इकोनॉमिकली खुद को इतना स्ट्रांग तो बना लें, पहले खुद कुछ बन जाएं, फिर उन पे बात कर लीजिएगा, फिर उसकी वर्थ भी होगी। अभी क्या फायदा बात करने का, इस पे क्या तो क्या मिल वैसे मैं जाने की। फलस्तीनियों को जानती हूँ, आज तक उन्होंने कभी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, उन्हें ये भी नहीं पता मैम मैप में पाकिस्तान है कहाँ। तो नहीं पाकिस्तानी पता, ही है जिनको जिनको इतनी तड़प चढ़ती है फलस्तीन की, तो ये एक बिल्कुल एक सेपरेट इशू है, लेकिन दे डोंट केयर अबाउट पाकिस्तान या पाकिस्तानी, पाकिस्तानी जितने मर्जी उनके लिए मरते मारते रहे अपने आप को। तो